योग का महत्व सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड नहीं, हमारे को स्वास्थ्य और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं, तो हर आम से लेकर खास तक आज योग करता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा संदेश भी एकजुटता का दिया जा रहा है कि योग आज के जीवन में कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी हो गया है। खुद को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तो सेहत का एक ही मंत्र है योग, जिसे अपने जीवन में अपनाकर आप आत्मा को परमात्मा से मिलाकर मन को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। ये फिलहाल राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी योग करते हुए दिख रहे हैं। एक बार और इसका अभ्यास करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, तो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है। शरीर में योग करने से ताकत आती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर की नसों को आराम मिलता है, मांसपेशियां और जोड़ मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके फायदे आपको बता रहे हैं कि योग करने के फायदे क्या हैं। दिमाग शांत रहता है, ब्लड प्रेशर शुगर के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो आज के दौर में लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, और ऐसे में अगर आप अपने दिन के पूरे स्केड्यूल में से सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने ऊपर दें योग करने के लिए, तो आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वयं और समाज की थीम के साथ आज योगा डे मनाया जा रहा है, और यही वो एक्टिवनेस मुख्यमंत्री में नजर भी आती है, क्योंकि ये भी अपने जीवन में व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, इसीलिए इतनी भागदौड़, इतने ज्यादा फाइल्स का निपटारा करना, अधिकारियों के साथ चर्चा करना, दिशा निर्देश जारी करना, लोगों के बीच बने रहना, लोगों के लिए काम करना, जन समस्याओं को दूर करना, ये सब इतना आसान नहीं है। तो आम जनता के साथ आज मुख्यमंत्री भी योगा डे मना रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने बताया कि बदलती हुई लाइफस्टाइल के लिए योग आज के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के वक्त से भारत में ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 2015 से ये लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता रहा है। सुबह सुबह का ये मौसम, हालांकि गर्मी जरूर है, उसके बावजूद भी खुद को फिट रखने के लिए पूरा इंडिया एकजुट दिख रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे महिलाएं हो या फिर युवा योग करते हुए दिख रहे हैं। सामने की तरफ आए, बाई तरफ एक बार और श्वास छोड़ते हुए, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासतौर पर जब कोरोना का दौर आया, तब योग के महत्व को लोगों ने समझा। 2015 से अलग अलग जगहों पर योगा डे मनाया जाता रहा है, और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व को एक बड़ा संदेश इसके जरिए दिया जा रहा है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि आसन की जो क्रिया है वो वहां शुरू हो चुकी है लगातार। देखिए बिल्कुल लगातार यहाँ पर लोग जो है योग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं, क्योंकि देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं, और यहाँ की अगर हम बात करें तो लगातार अलग अलग आसन जो है वो किए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बहुत उत्साह से यहाँ पर योग दिवस के मौके पर पहुंचे हुए हैं।
हालांकि मौसम में थोड़ा सा गर्माहट जरूर है, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो इस वक्त चरम पर है, और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर योग करने के लिए पहुंचे हुए थे, और अब जो अब जो है तमाम लोग को करा रहे हैं। और ये तस्वीर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग आसन बताए जा रहे हैं। और अभी भी देखिए आपको एक तस्वीर और दिखा सकते, अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है, मतलब लोगों के अंदर उत्साह है, लोग जो है योग दिवस के मौके पर यहाँ पर आकर योग करना चाहते हैं, और इसीलिए ये उत्साह जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो लोग हैं बहुत जोर जोर से आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार तस्वीरें जो है वो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर योग करते नजर आ रहे हैं। आज सामूहिक योगाभ्यास जो है वो हो रहा है, और लखनऊ की रेजिडेंसी में लखनऊ के जो है तमाम अलग अलग पॉइंट्स पर जो है जो है मनाया जा रहा है। और अब फिलहाल ये कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम जो है वहाँ पर जो है तय किए गए थे, तो उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ का ये पूरा कार्यक्रम है, और यहाँ पर तमाम लोग हैं वो इस वक्त जो है तमाम योग आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल खास तस्वीरें हैं पूरा पूरा मौका मिले आज के दिन के मौके पर तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं योग करते हैं, तो ऐसे में योग के दौरान तमाम रोग रोग जो है दूर होता है, किस तरह से जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं इसके बारे में भी बताया जा रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है जब हमने देखा था जब कोविड काल था, जब कोरोना काल था, तब लोगों ने योग करना शुरू किया था, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है योग जो है लोग करते हुए नजर आते हैं रोजाना आती थी। हालांकि जीवन के इस भागदौड़ में इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं इनको लोग नित्य नहीं करते, लेकिन अगर रोज 10 मिनट केवल अगर समय निकाल ले तो शायद ये कह सकते हैं कि शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। और देखिए आप देखिए आप लगातार देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने कैमरा से चाहेंगे तस्वीर दिखाएं, इसके साथ साथ यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आगे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। और पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लखनऊ के हर एक कोने से यहाँ पर लोग। ठीक है, तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, एक तस्वीर हम आप तक पहुँचाएंगे अलग अलग जगह।